सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है, प्रिंट सर्वर इंस्टॉल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, ठीक है, सर्वर मैनेजर पे जाना है, सर्वर मैनेजर के अंदर रोल सेलेक्ट करना है, रोल के बाद एड रोल पे जाना है, स्किप दिस स्टेज बाय डिफॉल्ट, स्किप कर देते हैं पेज को, नेक्स्ट, प्रिंट सर्वर एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे एलपीडी सर्वर, ठीक है, ये यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर ये यूज होती है एलपीडी सर्वर, ठीक है, उसमें प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए। इंटरनेट प्रिंटिंग करनी है, वेब बेस्ड प्रिंटिंग करनी है तो वेब बेस्ड प्रिंटिंग भी कर सकते हो आप, एक वेबसाइट पे प्रिंट आप भी भेज सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैन सर्वर, स्कैनिंग सर्वर भी इसी के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा साथ में, ठीक है, यानी कि जो भी आप स्कैनर भी लगाओगे नेटवर्क पे उसका भी स्कैन डॉक्यूमेंट सब कुछ इसी के थ्रू हो जाएगा, मतलब सेंट्रलाइज प्रिंट मैनेजमेंट से ही स्कैनर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जहाँ स्पेसिफाई करना है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ठीक है, ताकि फुल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग में इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड देंगे ASP-1, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब जो हमारा स्कैन सर्वर है उसका डेटाबेस काम जाएगा, सी ड्राइव प्रोग्राम डेटा माइक्रोसॉफ्ट स्कैन सर्वर, और उसका फोल्डर साइज कितना होगा 100 MB का, ठीक है, 100 MB का इसका जो है हर एक यूजर को स्कैनिंग डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए स्पेस मिलेगा 100 MB का, ठीक है। नेक्स्ट करने ईमेल सर्वर, हमारे सर्वर का नाम हमें सेलेक्ट करना है, एडवांस पे फाइंड नाउ पे सेलेक्ट करेंगे, हमारे सर्वर का नाम है winhn जो भी है .orange.com, ये पूरा SQDN है हमारे सर्वर का, फुली क्वालिफाइड डोमेन है, क्रिएट अ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, इंस्टॉल, रिस्टार्ट मांगेगा ये, एक बार हमें रिस्टार्ट करना चाहिए,
सॉफ्टवेयर डाल के लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड स्टेप में स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। आफ्टर रीस्टार्टिंग हमें कहाँ जाना है, वेट मैनेजमेंट से। लेकिन अभी जब से रीस्टार्ट होके आएगा वेट मैनेजमेंट से पहले वेट करना है। सर्वर मैनेजर एक बार खुलेगा, ओपन होगा तो पूरा इंस्टॉलेशन कम्प्लीटेड दिखाएगा। हमें क्लोज करना है उसको, फिर जाना है वेट मैनेजमेंट पे जहाँ पे हम प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, प्रिंटर इंस्टॉल करने के बाद फिर हम आगे उसको फर्दर नेटवर्क पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, ताकि सारे नेटवर्क प्रिंटर से ये इंस्टॉल हो जाए, सारे नेटवर्क क्लाइंट से ये इंस्टॉल हो जाए प्रिंटर। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, क्लोज करते हैं इसको। क्लोज फिर स्टार्ट पे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यहाँ पर जाते हैं, स्टार्ट एडमिन टूल प्रिंट मैनेजमेंट। प्रिंट मैनेजमेंट पे जाने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट सर्वर को एक्सपैंड करते हैं, सर्वर नेम एक्सपैंड करते हैं, इसके अंदर प्रिंटर से एक्सपैंड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रिंटर पे, ऐड प्रिंटर, ऐड अ TCP/IP और वेब सर्वर प्रिंटर, नेक्स्ट। टाइप ऑफ डिवाइस TCP/IP डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और फिलहाल अपने सर्वर का IP एड्रेस डालेंगे। अदरवाइज अभी हम एक डेमो कर रहे हैं तो इसमें सर्वर का IP एड्रेस डालेंगे, अदरवाइज आपको प्रिंटर का IP एड्रेस इसमें डालना है। ठीक है, स्टेटस की डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पे सर्वर का IP क्या है, 10.0.0.3। ये IP यहाँ पर डालना है 10.0.0.3। नेक्स्ट करना है, ये डिटेक्ट करेगा प्रिंटर को, डिटेक्ट करेगा इसके पोर्ट को ये कहाँ पर कनेक्टेड है। अगर इनबिल्ट कनेक्शन ये कर रहा है जैसे डिटेक्ट करके, ठीक है, वर्चुअली कर रहा है, तो उसके लिए ऑटो डिटेक्ट करके आगे ड्राइवर पूछेगा। नेक्स्ट में हमारा ड्राइवर का आएगा। और नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कैनन कर लेते हैं, कैनन LDP। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करेगा आपके ड्राइवर इंजन, वेट करना है।
अब यहाँ पे इंस्टॉल ए न्यू ड्राइवर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैनन का सिलेक्ट करते हैं प्रिंटर। सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसका शेयर्ड नेम यही आएगा प्रिंटर का। जैसे यहाँ कर लेते हैं कैनन अंडरस्कोर R1 या कैनन माइनस R1 कर लेते हैं ताकि शेयर्ड नेम हमें याद रहे। नेक्स्ट करके फिनिश कर दें। फिनिश करते हैं और यहाँ पे जो प्रिंटर है तो प्रिंटर को अगर मुझे डिप्लॉय करना है पूरे नेटवर्क के अंदर, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा डिप्लॉय विद ग्रुप पॉलिसी, इस ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ ये पूरे नेटवर्क क्लाइंट पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जो जो इसके सर्वर के साथ अटैच होगा क्लाइंट सबके पास इन पे डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे यूजर दैट दिस सीपीओ अप्लाई टू पर यूजर, मतलब पर यूजर पे अप्लाई कराना चाहते हो कि पर कंप्यूटर यानी कि पर मशीन। मैंने पर यूजर सेलेक्ट कर दिया कि ऐड हो प्रिंटर और ऐड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर अप्लाई हो गया। देन अप्लाई करना है आपको प्रिंटर डिप्लॉयमेंट और रिमूवल ऑपरेशन सक्सेसफुली। ओके, देन अगेन ओके। यहाँ पर प्रिंटर डिप्लॉय हो गया नेटवर्क पे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंटर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, प्रिंटर इंस्टॉलेशन, प्रिंटर की सिक्योरिटी लगानी है तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप सिक्योरिटी टैब में जाके उस पर्टिकुलर यूजर या ग्रुप को ये प्रिंटर अप्लाई कर दे सकते हो। इसको मतलब प्रिंट करना है या मैनेज करना है प्रिंटर या मैनेज करने का ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी प्रिंटर के अंदर, प्रिंट फाइल के सब कुछ। यहाँ पे जनरल टैब में जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन आ रही है प्रिंटर की, कौन सा हमने प्रिंटर इंस्टॉल किया है, प्रिंट टेस्ट पेज निकाला है टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। शेयरिंग में इसका शेयर नेम आ गया। ठीक है, पोर्ट में किससे कनेक्टेड है, स्टैंडर्ड TCP/IP पोर्ट यानी 10.0.0.3 से कनेक्टेड है ये। ठीक है, और अगर प्रिंटर कूलिंग एनेबल करना चाहते हो तो एनेबल कर सकते हो, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके, एडवांस पे जाके यहाँ पे इसकी कलर रेटिंग और कूल प्रिंट ये सब हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कलर मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी अभी बताया मैंने। ठीक है, डिवाइस सेटिंग्स में लेटर A4 साइज कैसा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद ओके करते हैं, यहाँ पर हमारा प्रिंटर टोटली कंफिगर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ वेब ब्राउजर से तो मैं रन बॉक्स पे आई एक्सप्लोर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे HTTP कॉल, अगर वेब प्रिंटिंग देखना चाहते हो HTTP:// 10.0.0.3/printer ये लिखेंगे, हमारे जो भी प्रिंटर रेडी होगा इंस्टॉल होगा वेब ब्राउजर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि कितनी इसमें प्रिंट जॉब चल रही है। ठीक है, कैसा कैसा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर तो अभी ये बता देगा। देयर इज नो डॉक्यूमेंट इन द प्रिंट क्यू, डॉक्यूमेंट स्टेटस ओनर पेजेस कितने सबमिट हुए हैं, कैंसिल फॉर्म यहाँ से भी कर सकते हैं, लॉ ऑनलाइन भी इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेटवर्क लोकेशन ये है प्रिंटर का, ये HTTP:// अगर आप मैनुअली किसी एक्सपी क्लाइंट या प्रीवियस क्लाइंट पे डिप्लॉयमेंट जिसके नहीं हो रहा है उसके नेटवर्क लोकेशन ये दोगे आप HTTP:// 10.0.0.3/printer/printer का शेयर नेम स्लैश डॉट प्रिंटर लगाना जरूरी है 2008 में, उसका पैटर्न अब चेंज हो गया, ये लिखना जरूरी है 2008 सर्वर के प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वेब से प्रिंटिंग भी है,
ठीक है, इतना ही था ये वेब कैंटर मैनेजमेंट का, और इससे ज़्यादा नहीं है।